प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री जो रेड फोर्ट से जब अपना वो स्पीच दे रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि स्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे थे और जीरो डिफेक्ट की बात आपने सुना होगा, वो कह रहे थे जीरो डिफेक्ट। तो क्या वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बोल रहे थे कि हम जापान से या उसके बाद फिर चाइना के साथ जा रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कोलेबरेट करेंगे उनके साथ, तो क्या इनसे जोड़ के देखा जा सकता है इनको? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कुछ 14% का है और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो 56% का करीब है। तो अभी यूपीए सरकार भी 2 साल पहले एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में एक पॉलिसी पेपर निकाला जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 14% से कुछ 30% तक बढ़ाने के लिए कोशिश किया। और उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करीब $1,000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोशिश करने के लिए एक पॉलिसी बनाया उस समय। तो मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, क्योंकि वहाँ से बहुत रोज़गारी पैदा हो सकती है, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनका फोकस कर रहे हैं अभी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गारी मिल सकती है। तो 14% से कुछ 30% तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना वैसे बहुत मुश्किल है, पूरा जीडीपी को बदलना इतना सिग्निफिकेंट सेक्शन को इम्पॉसिबल नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। इसमें अगर हम देखें तो एक देश जिसके पास इतना मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और डिस्पोज करने के लिए भी जो कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ जापान है। तो इसी वजह से ये विज़िट का बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर जापान ने ये डिसीजन ले लिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शिफ्ट करना चाहिए तो हम भी बहुत सारा इंसेंटिव्स देना पड़ेगा उनके लिए। जैसे कि उनका कहना है कि लेबर लॉस बदलना पड़ेगा, दूसरा हमारा जो लैंड एक्विजिशन जो है वो भी, क्योंकि बहुत सारे ये कोर्ट केसेस लिटिगेशन केसेस बन गया अभी, तीसरा एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में उन्होंने कहा, मतलब स्पीडी क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे चीज़ अभी मोदी सरकार ने लागू करेंगे, लेबर रिफॉर्म्स और एफडीआई, सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में भी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरत है। जैसे कि कुछ $90 बिलियन का जापान ने अभी इन्वेस्ट करना चाहती हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने, और उसका जो $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, अभी तक भारत को 260 बिलियन डॉलर तक अभी तक मिल चुकी है इन्वेस्टमेंट भारत देश में, सिर्फ ये एक इन्वेस्टमेंट कुछ $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाना चाहते हैं। और सर मैं थोड़ा सा इस पर ब्रेक लेना चाहूँगा, ब्रेक के बाद फिर आगे हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा कितना सफल होगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि श्रीकांत कोंडापल्ली साहब हमारे साथ आगे भी रहेंगे और इनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।